हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। में हूं आपका दोस्त शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। उसी उन्हीं एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन हुआ करती थी, आपको पता है, कैम स्कैनर, जिसका यूज हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन करने में किया करते थे। लेकिन अब इसके बैन होने के बाद में काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ गई है कि अब इसका कोई बेस्ट सब्स्टिट्यूट मिले जिसको हम यूज कर सके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैनिंग करने में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा ही सब्स्टिट्यूट बताने वाला हूँ जो कि कैम स्कैनर की तरह ही वर्क करेगा और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आपको उसकी मिलने वाली है। इसको यूज करने के बाद आपको कैम स्कैनर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे आप इसको फर्स्ट बार ओपन करेंगे, आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगता है, तो आपको यहां पे परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहां पे कुछ इस तरह का सिंपल सा इंटरफेस आपको यहां पे नजर आता है। नीचे आपको एक कैमरे का ऑप्शन नजर आता है और एक आपको यहां पे गैलरी का ऑप्शन नजर आता है। तो यहां पे आपको करना क्या होगी, सपोज कीजिए आपको किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, तो यहां पे आपको कैमरे वाले आइकन पे टैप करना होगा। कैमरे वाले आइकन पे जैसे आप टैप करेंगे, आपके सामने यहां पे कैमरा ओपन हो जाएगा और आप इससे अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यहाँ पे आप इसको रखिए और यहाँ पे फोटो को कैप्चर कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसा आप जितना अपने डॉक्यूमेंट को लेना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको राइट कर देना है, ये कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्कैन हो चुका है। और आप देखिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट आई है, जैसे कि आपको कैम स्कैनर में मिला करती थी। इसके बाद में आप यहाँ पे अगर कुछ कलर वगैरह, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एडजस्ट करना चाहते हैं, ऊपर आपको इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कर देना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये फ्री एप्लीकेशन है तो आपको पता है कि कुछ एड वगैरह यहाँ पे आते हैं, तो एड वगैरह को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके लिए आपको, अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप शेयर बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको शेयरिंग के पूरे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सपोज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, व्हाट्सएप को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद में जिसे भी मैं यहाँ से सेंड करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से मैं यहाँ से उसको सेंड कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में ये हमारी फाइल सेंड हो चुकी है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फोटो है और उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। गैलरी वाले ऑप्शन पर जब आप टैप करेंगे तो आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब इसमें से जिस किसी भी डॉक्यूमेंट, फोटो वगैरह को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रोटेट वगैरह अगर करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से एडजस्टमेंट अगर मुझे करना है तो मैं उसको भी यहाँ से कर सकता हूँ, जैसा भी आप इसको करना चाहते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी, ये दीजिए, ये हल्का सा और है, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है अपने हिसाब से। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट करने के बाद में यहाँ पे फिर से इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है, यानी कि हमारा ये फोटो भी अब पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है और इसको भी हम यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। फिर आप अगर आप काफी सारे फोटोज को एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस, गैलरी को ओपन करना है, अपने फोटोज को ओपन करना है और जिस जिसको भी आप यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उन सबको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैंने 5 फोटो यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद में यहाँ पे इसका नेम अगर आप चेंज कर सकते हैं, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आ चुका है, तो अपने हिसाब से इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, ओके करते हैं। ये सेकंड वाला आ गया है। आपको जितने फोटो आप सिलेक्ट करेंगे उन सबको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सेकंड हो गया, ये थर्ड आ चुका है, तो इसको भी यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको भी कर लेता हूँ, ओके करते हैं। ये फोर्थ आ गया है, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट वाला आ गया है। चलिए इसको भी यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचों फाइल हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग पे आ चुकी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पांचों फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है। एड को मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक साथ 5 फाइल मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दी है। तो बिल्कुल कैम स्कैनर की तरह आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अपनी पीडीएफ फाइल, अपने फोटो वगैरह को, अपनी फाइल वगैरह को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं कैम स्कैनर की तरह, तो वो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसको यूज करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको कैम स्कैनर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन भी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।